मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को बता दो कि रेलवे के द्वारा अगर आपका टिकट कंफर्म है तो कैंसिल कराने पे कितना कितना रुपया कटता है, वेटिंग में कितना कटता है, अगर आपका सीट कंफर्म है तो कितना कटता है, एसी में कितना कटता है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे के साथ टिकट बुक कराना जितना आसान होता जा रहा है उतना ही मुश्किल। अब टिकट कैंसिल कराना और रिफंड लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत से लोग तो रेलवे की टिकट बुक सर्विस देने वाली कंपनी IRCTC के नियमों से वाकिफ नहीं है, जिससे उन्हें अनजाने में ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। आइए आज हम आपको रेलवे के टिकट कैंसिल और रिफंड से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताते हैं, शायद आपको पैसा बचाने में मदद मिले। दोस्तों, कब और कैसे कराएं कैंसिलेशन? रेलवे ने बुक किया गया ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के लिए 12:20 AM से 11:45 PM तक का समय निश्चित किया है। हालांकि आपके पैसे कब तक रिफंड होंगे इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। अगर आपने टिकट ऑनलाइन खरीदा है तो उसका कैंसिलेशन भी ऑनलाइन होगा, रिफंड उसी मोड में वापस आएगा जिसके जरिए आपने भुगतान किया है। विंडो टिकट को रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाकर आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो आपका टिकट ऑनलाइन ही कैंसिल होगा और ऑनलाइन ही पैसा रिफंड होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग चार्ज। दोस्तों, स्लीपर क्लास का रिजर्व टिकट ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर टिकट अमाउंट से 120 रुपया और GST कटेगा। अगर आपका टिकट स्लीपर है और आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको 120 रुपया उसके साथ ही GST भी देना होगा। जिन यात्रियों का नाम वेटिंग लिस्ट में है और उनका ऑनलाइन टिकट कंफर्म नहीं होता है तो टिकट के पैसे वापस आ जाएंगे। यदि यात्री ने विंडो से टिकट लिया है तो उसे ट्रेन के आने से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराना होगा। ट्रेन का समय निकलने के बाद पैसे वापस नहीं होंगे। थर्ड AC या AC चेयर कार का टिकट ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर टिकट अमाउंट से 180 रुपये और GST कटेगा। वहीं चलने के 12 घंटे पहले लेकिन 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराया जाता है तो टिकट अमाउंट का 25% और GST कटेगा। यानी कि अगर आपका टिकट 100 रुपये का है तो उसमें से आपका 25% कट जाएगा, यानी 25 रुपया कट जाएगा। ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर टिकट अमाउंट का 50% और GST कटेगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड AC का। सेकेंड AC का टिकट कैंसिल कराने के लिए 48 घंटे पहले टिकट अमाउंट से 200 रुपये और GST कटेगा। वहीं ट्रेन के समय से 12 घंटे पहले और 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर टिकट अमाउंट का 25% कटेगा और GST कटेगा। ट्रेन के समय से 4 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे के भीतर तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट अमाउंट का 50% और GST कटेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। तो आपको मालूम चल ही गया होगा जो कौन से टिकट कैंसिल कराने पर कितना रिफंड आपको मिलेगा और कितना पैसा कटेगा। और भी रेलवे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।